माँ मुझको झूलाओ ना झूला रे। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम डेरा गाजी खान। इस वक्त सुबह के तकरीबन 8 बज चुके हैं, 8 बजने में अभी 9 मिनट बाकी हैं और अभी हम फोर्ट मंडरो के लिए निकल रहे हैं। और इस तरह व्लॉगिंग स्टार्ट करने का मकसद ये है कि मेरा जो माइक है व्लॉगिंग के लिए जो मैं यूज़ करता हूँ वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो इसलिए अभी फ़िलहाल इस तरह हेलमेट से व्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं। तो अभी यहाँ से 84 किलोमीटर है डेरा गाजी खान और इंशाल्लाह 2 से 2.5 घंटे में हम फोर्ट मंडरो पहुँच जाएंगे। और मौसम इस वक्त अच्छा हो रहा है, ठंडा, रात अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी नींद आ गई सुकून की। ये हमारे होटल की पार्किंग है जहाँ पे हमने रात को बाइक पार्क की थी यहाँ सारी। और बस आज असल में हुआ ये कि हमें निकलना सुबह 7 बजे था, लेकिन हमारे दोस्त की एक बाइक पंचर हुई हुई थी तो उसका पंचर बनवाने चले गए थे। करीब ही था ये पंचर वाला, खैर दूर नहीं था, तो वो पंचर लगवाया उसकी बाइक में, उसमें थोड़ा टाइम लग गया। फिर अभी नाश्ता वाश्ता भी हमने कर लिया, सब रेडी हैं, नाश्ता वाश्ता करके बस अब यहाँ से निकलेंगे। होपफुली नॉन स्टॉप हम स्टील ब्रिजेस तक जाने का है हमारा इरादा। ये तैमूर भाई ने माइक दिया है, देखते हैं इसको लगा के इससे काम बनता है कि नहीं। तो ये अभी की अपडेट्स हैं, बस अभी रोड पे निकलते हैं और रोड पे ठंडक है, मज़ेदार इन्जॉय करते हैं। आज एक और सीन है यहाँ पे असल में आज 3 बजे PDM का जलसा है, तो हमें रिटर्न भी जो है वो जल्दी करना होगा, तो शॉर्ट टाइम है और डिस्टेंस अच्छा खासा है, तो चलते हैं, निकलते हैं बाहर और फिर आपसे बात करते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाह, पेट्रोल डलवाना है अभी, पेट्रोल थोड़ा ही बचा है। सर, अल्लाह हाफिज़। ये जी डेरा गाजी खान का छोटा सा बाज़ार भी है और लारी अड्डा भी है, बस स्टैंड है ये पूरा। काफ़ी गाड़ियां जा चुकी हैं, अभी जब सुबह नाश्ते के लिए थे तो यहाँ लाइन से बहुत ये टोयोटा काफ़ी ज़्यादा खड़ी हुई थी। रात होटल ढूंढने में हमें तकरीबन आधा घंटा लग गया था, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था होटल कहाँ ढूँढें, तो गूगल मैप के थ्रू हम चेक कर रहे थे मुस्तकिल। यहाँ इस चौक से हमने पंचर लगवाया सुबह अपनी बाइक का, ये भी शुक्र है अल्लाह का कि होटल के करीब ही था पंचर वाला, तो हो गया सेटअप। अब ये रोड सीधी जा रही है हमारी डेरा गाजी खान, बार बार मुँह से निकल रहा है, सही सर्वर और फोर्ट मंडरो के लिए। अच्छा, आपस में हम लोग कनेक्टेड हैं ब्लूटूथ से, तो इस कम्युनिकेशन का हमें आसानी हो रही है। डायरेक्शन दे देते हैं आपस में एक दूसरे को। यहाँ से तैमूर भाई लीड करेंगे हमें, चलो बिस्मिल्लाह। मौसम बहुत प्यारा हो रहा है इस वक्त, हल्की हल्की सी धुंध छाई हुई है और ठंडा ठंडा मौसम है, हल्की सी ठंड है, तेज़ वाली नहीं है। आगे आगे क्या पता तेज़ हो जाए, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे फोर्ट मंडरो के पास तो ठंड और मिलेगी हमें। सफ़ी सर्वर 4 किलोमीटर, फोर्ट मंडरो 51 किलोमीटर्स, और ये एरिया ऑलमोस्ट सारा डिजर्टेड एरिया है, दूर दूर तक बंजर बयाबान है, कुछ भी नहीं है। जगह जगह रास्ते में होटल हैं, अगर स्टे करना चाहे तो यहाँ स्टे बंदा कर सकता है। हमें तो आइडिया नहीं था, अगर हमें पता होता तो हम रात यहीं आके स्टे करते, हमारा डिस्टेंस और कवर हो जाता और सुबह और मज़ी जल्दी हम फोर्ट मंडरो तक पहुँच जाते।
बहरहाल अच्छा रहा जो भी रहा, अभी भी इतना लेट नहीं हुआ है, टाइम पर ही है। सखी सर्वर से पहले छोटा था ये डाइवर्जन है, टूटा हुआ है, मेरे ख्याल से 200 मीटर का होगा या 300 मीटर का होगा। ये वापस ऊपर चढ़ें तो पता चलेगा कितना है, ये आगे भी कच्चा है। ये पहला डाइवर्जन मिला है हमें, मोहना रोड बहुत अच्छी आ रही थी अभी तक। ये मेरे ख्याल से रिवर बेड है इसलिए शायद, हाँ ये रिवर बेड है, यहाँ से रोड बहा के ले गया होगा पानी बारिशों के दौरान। ऊपर से ट्रक आ रहा है, स्लो करना पड़ेगी। इस रोड पे ट्रक्स बहुत हैं। भैया सही उछल कूद है, आ गया रोड, आ गया भाई, आ गया साफ सुथरा रोड। 200-300 मीटर का ही था ये पैच, कोई रिवर बेड के ऊपर पानी तो ख़राब हुआ होगा। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस थाना सखी सर्वर, सुभान अल्लाह। नीचे उतर रहा रास्ता और ऐसा लग रहा है वैली के अंदर हम इस वक्त हम लोग उतर रहे हैं किसी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह। ये मनाजिर देखने वाले हैं, ज़बरदस्त। अभी रास्ते में जब हम आ रहे थे तो ज़ाहिर है फेसबुक पे मैंने पोस्टिंग डाली थी, तो कुछ दोस्तों ने अप्रोच किया हमारे जो आगे पीछे रहते हैं, तो उनमें से कुछ लोग बोल रहे थे यार क्या करोगे फोर्ट मंडो जाके, कुछ भी नहीं है वहाँ पे स्टील ब्रिजेस के अलावा। तो हमने कहा यार हम फोर्ट मंडो ही देखने जा रहे हैं, वो तो वहीं जाके देखेंगे क्या करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी डेस्टिनेशन जो है वो बहुत खूबसूरत हो, रास्ते भी बहुत एंजॉय करने वाले होते हैं बाज़ जगहों के। तो रास्ता बहुत खूबसूरत है इसका, यहाँ से सखी सर्वर के बाद से खूबसूरती देखने को मिल रही है हमें, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उम्मीद है और खूबसूरती बढ़ती जाएगी यहाँ की। माशाल्लाह माशाल्लाह, ओ भाई यहाँ से स्टीप चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं ख़तरनाक वाली, देख रहे हैं। और ये लैंडस्लाइड एरिया है, जल्दी से निकलना है यहाँ से, अभी यहाँ से तो अभी 22 किलोमीटर है ना फोर्ट मंडो, यहाँ से 20 किलोमीटर 22 किलोमीटर। बहुत शानदार, अल्लाहु अकबर, चढ़ाई चढ़ते हुए अल्लाहु अकबर कहना है। तो ट्रक फंसे हैं आपस में, अरे यार जगह ही नहीं है, कच्चे में तो कैसे निकाल ली तुम लोगों ने। अबे रोड भी तो वो पत्थर लगा के उन्होंने बंद किया हुआ ना, छोटा सा किया हुआ है, आगे तो नहीं है ना कोई। क्या सीन है, जबरदस्त। प्रिंस होंडा, बस टिप्स यही है कि अपनी लाइन पकड़ के रखनी है, आपने लाइन नहीं छोड़नी अपनी।
क्योंकि हैवी ट्रैफिक चल रहा है, रोड पतली सी है। हाँ सही बात है, अंडे परांठे ख़त्म हो गए, अंडे परांठे ख़त्म हो गए। अच्छा और पतली हो गई। ओह ये तो लग रहा है हम लद्दाख आ गए। ये भी एक एडवेंचर है लाइफ का, अल्लाह खैर खैरियत से हमें करवाए। चलो तुम्हारी तमन्ना हमने जो है ना वो कर दी पूरी, स्टील ब्रिज वाली, वो आप हमारी आंखें देखेंगी पहले। अच्छा जी, स्टील ब्रिज नज़र आना शुरू हो गए हमें। अभी फोर्ट मंडो का डिस्टेंस यहाँ से 14 किलोमीटर है और हमें फोर्ट मंडो के ब्रिजेस दिखना शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। पहला हमारा व्यू पॉइंट आ गया है सामने। इसकी एक पिक्चर मैं सोच रहा हूँ साइड पे ऐसी जगह हो ना वहाँ से ड्रॉप कर लूँ। जब से कराची से निकला हूँ DSLR पीछे डब्बे में पड़ा हुआ है, सड़ रहा है, एक तस्वीर नहीं ली उससे हमने। यहाँ से यहीं से लूँगा पिक्चर में स्टील ब्रिज की। और सामने में ज़रा यार, अगर यहाँ पे बारिश हो रही हो, पानी बहता हो रहा, कितना खूबसूरत लगे ये। मनीष थोड़ा रोड से और आगे कर लो, थोड़ा ऐसे सीधी कर लो आगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सामने में वो भी है, नहीं वो दुकान है, पानी की बोतल ले लेंगे ना वहाँ सामने से। हैं नहीं पानी है लेकिन रिफिल करना है ना बोतल को। अच्छा अभी हम लोग रुके हैं स्टील ब्रिजेस के पास, अभी स्टील ब्रिज तो खैर आ गए हैं, असल में यहाँ से ये व्यू आ रहा था स्टील ब्रिज का, तो फोटोग्राफी के लिए आइडियल जगह है। हमें कुछ पोर्ट्रेट्स लेनी थी तो हम यहीं पर ही रुक गए, और यहाँ पे सामने शॉप भी है, पानी वगैरह भी यहाँ से लेंगे अभी हम लोग। तो यहाँ से फोर्ट मंडरो तकरीबन 14 किलोमीटर और आगे, और यहाँ भी हम लोग सारे रुके। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, क्योंकि स्टील ब्रिज के नीचे बिल्कुल चले जाएंगे तो वहाँ से इतनी अच्छी पिक्चर्स नहीं आती जो यहाँ से आ रही हैं, तो वो आपको इंशाल्लाह मेरी इंस्टा और FB पे दिखेंगी। और अभी वहाँ जाके भी पिक्चर्स लेंगे, दो मिनट का वहाँ पर भी स्टॉप लेंगे बिल्कुल नीचे जाके, और फिर आगे ऊपर फोर्ट मंडो के लिए निकलेंगे। तो ये एक शॉर्ट स्टॉप था, अब निकल रहे हैं आगे मज़ीद। यार पानी लगने से पानी की बोतल पकड़ लें इसे, पानी की बोतल है। कितने की है? इसको भी दे दो। वह बर्फ यख ठंडी हो रही है। अपनी बोतल में डाल लें। मैं एक देर तक ठंडा रहेगा ना पानी। चलो भाई पानी हमारा भर गया, बावलपुर तक की छुट्टी हो गई अपनी, बावलपुर पे पानी का हिसाब किताब करेंगे। चलें यार स्टील ब्रिज,
सुभान अल्लाह, व्यू मज़ीद खूबसूरत हो गया इसके नीचे पहुंचने के बाद। और रोड भी काफ़ी अच्छी है, 12 किलोमीटर रह गए यहाँ से फोर्ट मनरो। यार माइलस्टोन के साथ भी एक पिक्चर होनी चाहिए। ये आ गए जी हमारे स्टील ब्रिजेस फोर्ट मनरो के, और उसके ऊपर अगर वीडियो में दिख रहा हो तो ट्रक्स ट्रैवल कर रहे हैं, वो छोटा सा ट्रक वो जा रहा ऊपर से, और ब्रिज यहाँ पर भी हैं वो ऊपर भी हैं, मतलब मुख्तलिफ डायरेक्शन में बने हुए ये ब्रिजेस, सिर्फ यही सामने वाले नहीं हैं, इसके अलावा और भी हैं। ज़बरदस्त, बहुत शानदार। कितनी प्यारी जगह मस्जिद बनी हुई है, यहाँ पे भी पानी वगैरह के स्टोर्स हैं। ये आ गए हमारे स्टील ब्रिजेस। ये लोग रुके नहीं, हमारे खिलाड़ी रुके नहीं, सारे निकल गए। हम यहाँ रुके और गया यार, यहाँ रुक के पिक्चर्स लेंगे। टाइम क्या हुआ है अभी, 10:11 हो रहे ना, बस सही है, बहुत है टाइम। लाइन से लगा दे मुनीप, ऐसे लगा दे, ऐसे पिक्चर ले लेंगे ना सारी, या तो यहाँ लगा लो। थोड़ी सी आगे कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पर बस बस ट्रक आ रहा है। सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त व्यू आ रहा है यहाँ से। आई होप के कैमरे के अंदर भी अच्छा दिख रहा होगा, और अब तक मुझे YBR के ऊपर कोई इशू महसूस नहीं हुआ कि इस बाइक ने मुझे ऐसा कोई फील कराया कि बहुत अंडर पावर बाइक है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, और फुली लोड है इस वक्त बाइक, टैंक बैग में भी अच्छा खासा सामान है, और उसके अलावा जो साइड बॉक्सेस हैं वो भी फुल हैं, टॉप बॉक्स भी फुल है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। सुभान अल्लाह, इस वक्त हम बिल्कुल इस ब्रिज के नीचे आ चुके हैं। टाइम क्योंकि शॉर्ट है इसलिए बहुत ज़्यादा स्टे नहीं ले सकते हर जगह पे, ये तो मार्गला हिल्स की तरह इस वक्त पहाड़ हो रहे हैं, फुल ग्रीन। ये है जी स्टील ब्रिज के बिल्कुल ही नीचे, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इन्होंने नीचे जो लोहा लगाया है, नज़र आ रहा है कि यार कोई वाकई इन्होंने सॉलिड मटेरियल यूज़ किया है इसके अंदर। सुभान अल्लाह, कोशिश करूंगा इस रूट की मैक्सिमम जितनी मैं वीडियो बना सकूं। कार्ड में तो बहुत जगह है, मेरे पास बैटरी भी है, तो यहाँ के व्यूज़ को मैक्सिमम जितना कैप्चर कर सके करेंगे। मुनीप भाई शायद वीडियो बना रहे हैं मेरी बैक साइड से, थोड़ा सा रिस्की है जो तस्वीरें ले रहे हैं, देख के गाड़ी आ रही है बाबू, साइड पर जाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, यार मज़ा आ रहा है यार, अल्लाह अकबर, कितनी मार्क चौकिंग की हुई है, जहालत की इंतहा देखो, सारी दीवारें गंदी की हुई हैं यार। ओए डाउन, तीसरे गियर में डालना, शार्प टर्न है बहुत,
यार हमारी आवाम कब सुधरेगी। ये चौकिंग देखो, पूरी दीवारें गंदी की। यार इतना फारिग वक्त होता है किसके पास है ये, कि यहाँ खड़े होके पूरी दीवारों पे, और लेफ्ट ले लो गाड़ी आ रही है। पॉकेट बंद हो गई क्या? सही है यार, मजेदार है। किथे रह गए पाजी? अच्छा पीछे पीछे आ रहे हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, खींच के रखो। मैं थोड़ी स्पीड मारना चाह रहा हूँ कि आगे जरा जल्दी पहुँच जाओ, क्योंकि ऊपर भी तो फोर्ट पे भी तो रुकना है अभी। ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं फोर्ट मंडो पे। मेरे ख्याल से मज़ीद 5 मिनट और ऊपर लगेंगे पहुँचने में हमें। रोड बहुत अच्छी थी यहाँ तक, अभी भी सही है। ये छोटे छोटे से पैच हैं, इसको भी शायद ही सही कर दें। स्टीप चढ़ाई है, चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेहनत वसूल हो गई और हम फोर्ट मंडो पहुंच गए। अभी 10:30 बज रहे हैं। डीजी खान से हम चले थे 8:15 बजे, 8:15, 9:15, यानी पूरे 2.25 घंटे में हम, या 2.5 घंटे में फोर्ट मंडो पे पहुंच रहे हैं। फुल टाइम चिलिंग सीन हो रहा है, चिल हवा चल रही है। अगर धूप नहीं होती ना तो हमें टाइट वाली ठंड लग रही होती इस वक्त। और ये आखिर का पैच मुसलसल चढ़ाई है। ऑलमोस्ट पहुंच ही गए होंगे, चल रही है, बहरहाल बाइक चले जा रही है। कहाँ है किनारा? हाँ, गोरा हिल स्टेशन, वो भी ऐसे ही है। अनारी आर्चर्ड, फोर्ट मंडरो है कहाँ? इधर ही है, तो इधर ही है, तो इधर ही चलो। सर बड़ा प्यारा व्यू आ रहा है। भाई भाई भी यार लीड कर रही है सब ग्रुप को। और तमाम YBR वालों को तसल्ली देने के लिए मैं इस वक्त इस टीम को लीड कर रहा हूं कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, बेफिक्र होकर YBR चलाएं, किसी भी 150cc से कम नहीं है। हाँ पहाड़ियों में चढ़ जाती है भाई, कुछ भी नहीं है,
कोई ऑक्सीजन की कमी। अबे भाई कहाँ जाना है, गेस्ट हाउस? इसे पूछें क्या अकेला की थी? कहीं लिखा हुआ कुछ? कहाँ जाना है? अनारी आर्चर्ड हाउसिंग स्कीम उल्टे हाथ पे यार, फोर्ट पे जाना है, फोर्ट मंडरो के फोर्ट पे जाना ना, सिर्फ फोर्ट तक जाना है। यहाँ पूछना पड़ेगा किसी से कि ये रास्ता या पीछे है। चलो फोर्ट ऊपर है, फोर्ट ऊपर है। हाँ टॉप पे होगा, मरी वाली ठंड हो रही है। आ गया ना ये रहा, क्या ही है, यही है ना। हाँ ना, देखो ना चांद सितारे बने हुए इसके ऊपर, चिंदू चौक। ओहो कलमा घंटा, कौन सा है, घंटाघर चौक। वाह 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 वाह। कहाँ लेके जाएं बाइक, इनसे पूछो ना चाचा से, फोर्ट मंडरो का है, फोर्ट का है, किला फोर्ट का, चलो मंडरो। चलो तो चलो ना, खड़े क्यों हो गए? होंडा 125 का इन्होंने जो है ना वो शोशा छोड़ा हुआ, बड़ी पावरफुल है। किधर पावरफुल है, पीछे रह गई। ये लो दूसरे गियर में हमारी, रश लगा पड़ा है। वाह जी वाह, रश लगा हुआ यहाँ तो। चल भाई फातिमा जीना पार्क, इससे आगे और नहीं जा सकते। किससे पूछो सही है किधर फोर्ट मंडरो का किला है? सात गाड़ियाँ, चलो भाई ऊपर पहुंच गए, अभी आपको दिखाते हैं अंदर किला फोर्ट मंडरो साहब का। अच्छा जी पहुंच गए फोर्ट मंडरो टॉप पे, और इस तरफ ऑफिसर्स हाउसेस के अंदर अभी हम घुसेंगे। चाबी अभी ले ली है, हेलमेट लॉक कर दिया है, टैंक बैग उठा लूं। चाचा ये बैग छोड़ दें, उठा लें, क्या करें, छोड़ दें ना, बस सही है, मेरे सामान बलोची है बस। आओ साहब ऐसे और काली गेट नहीं है? हाँ जी कबर ही है, चार दीवारी के देख लो से, ठीक हो गया, आ जाओ। डीसी हाउस, ये डीसी हाउस है, ये मंडरो साहब का डीसी हाउस है। यहाँ तो नहीं जा सकते हम अंदर, कबर शरीफ पे चलते हैं। मुझे तो हैरत है मंडरो साहब इतने ऊपर आए कैसे, क्योंकि उस टाइम तो रोड होगी नहीं यहाँ पे कोई। काला गेट तो कह रहा है, ये तो बंद, इस पर ताला लगा हुआ है। क्या बात हो गई यार, कवर कवर होती है भाई, गोरे की हो या काले की हो। बिस्मिल्लाह, क्या हो गया? हाँ जी ये उनके ख़ानदान की है, फोर्ट मंडरो साहब की। अभी हम आपको अंदर से आगे दिखाते हैं। ये हैं हमारे जेम्स फैट्रिक साहब की कवर। ये पैदा हुए थे 23 सितंबर को 1897, और इनका इंतकाल हुआ 26 अप्रैल 1898। उसके बाद ये कवर है
ये कौन है? रेव स्मिथ ऑफ रैमटाउन साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका के थे। ये बच्चे की है शायद, छोटे बच्चे की कबर है। और एक कबर ये, एक कबर वहाँ पे अलग से बनी हुई है, वो किसकी कबर है ये देखते हैं। ओहो, इनके कुतबे गिर चुके हैं कबर के। और वाइफ ऑफ कैप्टन फेरर, एमली फेरर, एम एल फेरर, पता नहीं कौन, इंडियन आर्मी। एक मिनट आपको ऐसे दिखाता हूँ मैं, ये अगर पढ़ने में आ रहा हो आपको, इंडियन आर्मी पंजाब कमीशन, ये उनकी वाइफ की कबर है। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे कब्रिस्तान है जो फोर्ट मंडो का ऊपर है। तो बेसिकली तो हमें बस यहाँ टॉप तक आना था और टॉप का व्यू देखना था। यहाँ ऊपर क्या है कुछ भी नहीं है, पार्क है बस, एक ये कब्रिस्तान है छोटा सा, अंग्रेज़ों का गोरा कब्रिस्तान जिसको इन्होंने लिखा हुआ है। और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, झूले वूले लगे हुए उस साइड पे झूले। बाहर से थोड़ा सा और दिखा देता हूँ आपको कि क्या है वहाँ पे। मेजर की तो कवर नजर ही नहीं है मुझे, मेरे ख्याल से उसकी कवर कहीं और है। नाम से लिखे हैं मेजर साहब की कवर मुझे नजर नहीं आई भाई, आपस की बात है। मेजर साहब पता नहीं गए, और तो उधर कुछ भी नहीं है। बेगम की कमीशन के उसकी अदील भाई यार, लेकिन मनरो साहब की मुझे कवर नहीं देखने को मिली यार। तो इतनी मेहनत करके आए क्यों थे? मुनीर भाई देखो कितने सीरियस चल रहे हैं, कह रहे बस मेरे को चाहिए कवर। अबे क्या मनरो साहब को डीसी ऑफिस में दफनाया उन्होंने? बस ऐसे ही लग रहा है मुझे, करने को कुछ था नहीं उनको। अरे उस टाइम के भाई ये पार्क है यहाँ पे पीछे, बच्चों के लिए लिखाया है और कुछ भी नहीं है ऊपर फोर्ट मंडो का। यहाँ पे देखने का सी ब्रिज और राइड है, बस एंजॉय करना चाहते हैं राइड को, तो राइड एंजॉय करने लिए और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। कशा मंडरो साहब की कबर नहीं मिली। मंडरो तो आप नहीं मर गए, जिंदा जिंदा चल गए, उसका बेटा मर गया, उसका बेगम मर गया। अच्छा तो वो वाइफ की तो है अंदर। हाँ कमीशन साहब भाई ये सीन है, मंडरो साहब तो गाजी थे, हम उनको समझ रहे हैं कि वो इंतकाल फरमा गए, ऐसा नहीं था। चलो चलो खैर हो गई, खैर हो गई। मंडो साहब तो फरार हो गए, खानदान में छोड़ के चले गए। मंडो साहब जिंदा था तो निकल गया। चलो चलो खैर हो गई, ठीक है भाई अभी यहाँ से हम निकलेंगे वापसी और बाइक का ऑयल चेंज करना है रास्ते में। 2000 किलोमीटर हो चुके हैं, इंजन शोर कर रहा है। और बाकी व्यू तो इन्जॉय करते हुए जाएंगे, आपको भी दिखाते हुए जाएंगे। अभी मुल्तान, मुल्तान से फिर नाइट स्टे आज हमारा भावलपुर पे, तो काफ़ी लंबी राइड है वापसी की। और राइड लंबी होने के साथ साथ इस वक्त जो डेरा गाजी खान में आज वो है जलसा है पीडीएम का, तो उससे बच के निकलना है हमें 3 बजे से पहले पहले, तो बस इसलिए अभी यहाँ से फ़ौरन निकलेंगे वापस। ये व्यू है पार्क की अपोजिट साइड पे, ये जाता है। अभी हम थोड़ा पार्क के अंदर भी आ गए, बाहर वापस जाने से पहले पहले हमने कहा चलो ये पार्क के अंदर का व्यू ले लें। तो ये अंदर है और पीछे का ये बड़ा खूबसूरत व्यू है सारा। बाइक जब चला के हम ऊपर आ रहे थे तो ये दिख रहा था हमें, और उस टाइम भी बड़ा प्यारा लग रहा था, और इस वक्त भी ये बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है। उस तरफ फोग हो रही है, इस तरफ भी थोड़ा फोगी फोगी सा है और बहुत खूबसूरत व्यू है। नीचे एक डायमंड होटल है, डायमंड होटल डायमंड हिल। ये है एक छोटा सा सरसरी सा एक पार्क के अंदर का भी, हमने कहा चलो कुछ बना लेते हैं। उजड़े हुए पार्क, उजड़ा हुआ पार्क है बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे इतनी ऊपर हाइट पे कौन डेवलप करेगा इन चीज़ों को। तो बस जो है वो है, बहुत लग रही सिग्नल आ रहे हैं के यहाँ, कलर हुआ बता देता था। ये है पार्क का छोटा सा व्यू, बस सोचा चाहिए भी आपको थोड़ा सा दिखा दें। कलर हो रहा है भाई, कलर हो रहा है। ये है जी फोर्ट मंडो